हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं देवे मशीन टूल जो पड़ती है लुधियाना में, और काफी खुशी की बात यह है कि काफी पुराने एक्सपीरियंस है, 36 साल पुराना एक्सपीरियंस है सर को, और काफी लंबे टाइम से लेत मशीन बना रहे हैं। आइए कंपनी के ऑनर से बात करते हैं। नमस्कार सर, राम राम, कैसे हैं आप? शुक्रिया जगन्नाथ जी जगत जी जी, बहुत बढ़िया सर। एक बार जो है आप ये बताइए, जैसे हमने आपकी पहली वीडियो डाली थी, रिस्पॉन्स कैसा रहा सर? उससे कॉल वगैरह कुछ आई? बहुत कॉलर आई। तो दो साल पहले वीडियो डाली थी, ये 46,000 गई है। हाँ जी, हाँ वीडियो जी। जो व्यूअर्स गया है, हाँ बहुत बढ़िया। सर एक बार अपनी ऑडियंस को बताइए, क्या कंपनी का नाम है, क्या अपना नाम है? देखिए हमारी कंपनी लुधियाना में स्थित जनता नगर में है। ओके, तो प्लॉट नंबर है हमारा 1962/1 जी, और जनता नगर स्ट्रीट नंबर 35। ओके, तो हम लेथ मशीन 1988 से बना रहे हैं, तकरीबन 36-37 साल हो गए हैं। और हमारी जो मशीन है वो क्वालिटी 5 है, तो बेड टेम्पर है, मैं खुद काम करते हैं वर्षा में। बहुत बढ़िया, क्वालिटी 5 मशीन है हमारी, बहुत बढ़िया। तो सर सप्लाई जो है आपने की कहां कहां तक जाती है, कितनी दूर दूर गई है सप्लाई? ऑल इंडिया, और बाहर भी मशीनें जाती हैं, दुबई, अच्छा कलकत्ता, ये सारी चीजें हैं। और अभी अभी हमने नरोबी मशीन भेजी है 8 फुटी। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया भी जाती है? हाँ, वो कस्टमर हमारे 15 साल पहले मशीन ले गए थे। बहुत बढ़िया, तो मशीन बढ़िया चली, फिर उन्होंने एक मशीन का। तो दोस्तों जो मशीन होने वाली है काफी जो है दमदार होने वाली है, और आपको बता दें कि सर इसमें कुछ आपका जो है जैसे मशीन दे देते हैं, जैसे यूपी गई, बिहार गई, झारखंड गया, तो जैसे मशीन में अगर कोई मान लीजिए दिक्कत आ जाती है साल भर के अंदर, हाँ तो कुछ गारंटी वगैरह रहती है? वारंटी वगैरह अपनी? गारंटी देखिए हमारी, वारंटी तो लोग तो 1 साल की कहते हैं, हम 5 साल की गारंटी देते हैं। 5 साल की देते हैं, और उसमें हम एक ही कस्टमर को बात कहते हैं जी कि मशीन का एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट ना हो, हाँ ठीक है। और नंबर दो, जब हम मशीन डिस्पैच करते हैं कम से कम 2-3 दिन हम खुद चलाते हैं। ओके, पूरी क्वालिफाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी कि खुद चला के फिर आप डिस्पैच करें, ये सबसे बड़ी बात हो गई। जैसे हल्का फुल्का कोई दिक्कत है उसको ठीक कर देते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो हम समझा भी देते हैं जी, और नहीं तो हम पूरी क्वालिफाई करके फिर मशीन। तो दोस्तों आइए मशीन के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं, A to Z इसमें कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी कि मशीन चलती कैसे, कैसे बनती है, और कौन कौन सी चीज इसमें रहती है, फीचर्स वगैरह। सर एक बार बताइए विस्तार से। देखिये जी, 6.5 फुट मशीन है, और इसकी लंबाई यहाँ से लेकर वहां तक होती है। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद जैसे 8 फुट 10 फुट तो जैसे ऑर्डर आता वैसे हम मशीन बनाते हैं। बनाते हैं, इसमें ये है जो हम एक्स्ट्रा करते हैं जी, बेड टेम्पर है, टेम्पर ग्राइंड है, इंडक्शन हार्ड, ठीक है जी? जी। उसके बाद जो जितनी टेम्पर हो, टेम्पर बोले तो सर 400-410 टेम्पर होती है। ये इसको कह रहे हैं आप? ये देखिए पंच की किया हुआ। अच्छा, ये जो आपने किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हम हमारा हेड है, हाँ। आम दिक्कत आती है जब बेल्ट अंदर से डालती है तो साल 2 साल में बेल्ट टूट जाती है, टूट जाती है, तो कारीगरों को बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, ये हमारा मॉडल है, हम इसे जो बेल्ट वाला सिस्टम बाहर निकाल, इधर से दिखाइए थोड़ा सा जी, बताइएगा सर। अगर बाहर से बेल्ट टूट गया, अब बाहर से बाहर खोलो और बाहर से बाहर बदल लो। अच्छा, हाँ ये आपने दे रखा, ये देता नहीं कोई फिर? नहीं, वो हमारी मशीन चल रही है। अच्छा, उसमें वो आपने खुद ही बनाई हुई है? अपनी मशीनें 4 हमारे चल रही है। अच्छा, तो उसकी बेल्ट टूट गया, मैं 2 मिनट में बाहर से बेल्ट लेके आओ और मशीन चालू। और जो दूसरे लोग बनाते हैं उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें बहुत दिक्कत आती है, स्पिंडल निकालना पड़ता। अच्छा, वो स्टमंडल निकालना पड़ता है, बहुत लंबा काम पड़ जाता, कई किसी को खोलना आता किसी को नहीं खोलना आता। अच्छा, इसमें कोई भी कारीगर कर सकता है? कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर से बाहर बेल्ट बदली जानी है। अच्छा, और मशीन 5 मिनट में चालू। अच्छा सर, ज्यादा जो जैसे किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत सारे लोग तो ये पूछते हैं इससे बनता क्या, इससे क्या कर सकते हैं, इससे जो मतलब कि एकदम फ्रेशर है सर, जिसको कुछ पता नहीं है और वो इस लाइन में आना चाह रहा है। ये जो लेथ मशीन है ना, हाँ, ये इंडस्ट्री में मांग गिनी गई है, ये हर इंडस्ट्री में काम आता है। अच्छा, इसके बिना तो काम ही नहीं है? कोई डाई बनानी है, okay. कोई मशीन टूल का काम करना है, हाँ हाँ, या कोई प्रेस डाई, कोई शाफ्ट शूट बनानी है, वो सारी इसमें हर इंडस्ट्री में ये लगनी लगनी, इसके बिना तो कोई मतलब ना ना ना, ना। ये जरूरी है, हर इंडस्ट्री में लगनी लगनी है। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, आपने जो इसमें मटेरियल यूज किया हुआ है, हाँ जी, इसमें भी 2-3 टाइप का मटेरियल लगाते होंगे लोग? ये हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, हाँ ठीक है जी, ऐसे स्लैडे होते हैं, इसमें हम मसाले डालते हैं, ठीक है, इंडक्शन हार्ड, ठीक है, जो टेम्पर है वो तो मसाले डाल के वो टेम्पर हो गया, ग्रैंड हो गया जी, पर जो स्लैडे हैं ये स्लैड स्पेशल मटेरियल होता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अपनी जो है 6 फीट की डिमांड है? हाँ, 6.5 फुट की। बहुत बढ़िया सर, कॉलेज वगैरह से भी कुछ ऑर्डर आता है, वो जैसे कॉलेज में बच्चों के सिखाने के लिए? हाँ, वो भी हमारे ऑर्डर आते हैं, वो भी आप करते हैं? हाँ, मगर वो लाइट मशीनें लेते हैं, क्यों उन्होंने सीखना होता है, उन्होंने कुछ सिखाना होता है, मशीन चला के दिखानी है, कट ला के दिखाना है जी। तो वैसे जो हमारी हमारे पास जो पार्टनर है 6.5 फुट के,
प्राइस बताना चाहेंगे सर, प्राइस देना चाहेंगे या? इसकी 3.5 लाख है। अच्छा 3.5 लाख, 6.5 कोटी। हाँ, उसमें जो बोर है हम 3 इंच देते हैं, ठीक है, मगर पार्ट की चॉइस है, किसी ने 2 इंच एक सूत कराना, 2.5 इंच कराना, 3.25 कराना। अच्छा कस्टमाइज है? 3 इंच, हाँ कस्टमाइज, उससे थोड़ा बहुत रेट लेस हो जाता है, मगर ये हमारा दिल्ली का ऑर्डर है। अच्छा, दिल्ली भेजनी हमने। ये तीन कितने बताया आपने? 3 इंच बोर की है, 3 इंच बोर। और प्राइस कितना दे रहे हो आप इसका? 3.5 लाख। 3.5 लाख, हाँ जी हाँ जी। और सर कोई चैनल का नाम लेता है जैसे घनश्याम का नाम लेके आता है? हाँ जी हाँ जी। कुछ गुंजाइश करेंगे आप इसमें? नहीं गुंजाइश देखिए, अब तो आगे आगे जो ढलाई है, अच्छा, वो बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, नहीं आज से 5-7 साल मतलब ये फिक्स रेट है आपका, ऐसे कम नहीं जाएगा? हाँ, अगर कोई नाम थोड़ा बहुत मान कर देते हैं। अच्छा, इतना नहीं, अगर आप लोग 3.25 की लगा दो, 3 की लगा दो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, बहुत सारे तो लोग रेट ही नहीं देते, आप तो रेट दे ही रहे हैं। बहुत सारी वीडियो जहाँ बनती है हमारी ऐसे है ना जी, हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी है, हम खुद मालिक हैं, खुद काम करते हैं। सही बात है, जो मालिक वर्षा में काम करता ना, हाँ, जितनी देर उसकी तसल्ली होगी वो आगे नहीं जाएगा। सही बात है, अगर कारीगर काम करता तो उसने गलत काम कर दिया, वो तो छुट्टी चाहिए उसे 5 बजे। वो तो फिर जब मशीन जाएगी, कंप्लेंट आएगी तो मालिक को आएगी ना, मगर हम खुद मालिक हैं, मेरा बेटा है, दो जन बिल्कुल कर रहे हैं, दो हमारे कारीगर रखे हुए हैं। ओके, आज तो संडे है ना, हाँ, तो वो हम पूरा टेस्ट करके हम। तो सर जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ आइटम आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, गियर बोलते हैं सर? हाँ जी, हेड के गियर हैं जी। तो इसकी सर कुछ बताओ, इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है आपकी, क्या वगैरह है सारी? देखिए ये हेड के गियर हैं जो सिंगल डबल जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए, दिखाइए इसमें जी। तो ये हमारा एक्सल मटेरियल है। अच्छा, फिर हम मैक्सीपर गियर शेपर पे इसके दांते निकालते हैं जी, और उसके बाद इसको इंडक्शन हार्ड किया हुआ, ठीक है, अगर फुल गियर टेम्पर कर दे तो बींगा हो जाता है, आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसके दांते दांते टेम्पर हैं। अच्छा, और जहाँ एक्सल गिरारी पड़ जाएगी 20-25 साल गिरारी को मतलब ही नहीं है, कोई दंदा आउट हो जाए। अच्छा, दूसरी बात है हमारा जो हेड पोर्शन है रिवर्स फॉरवर्ड और जो सिंगल डबल चलता है, ये एलुब्रिकेट है, ये तेल में चलनी है, तेल में चलनी है। हाँ, इतनी इतनी गियर तेल में डिप चलनी है। अच्छा, और जो गियर तेल में चलता है एक्सल की गियर, वो कहीं जाता ही नहीं। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। और ये सारी सारी चीज? हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ये रिवर्स वर्कर है, ये हमारी बर्म गियर है, ठीक है, ये भी एक्सल मटेरियल इंडक्शन हार्ड, और हमने इसमें जो रेडियस दे दी है, इसमें जो आम लोग सीधी डाल देते हैं उसमें 2 दांते में चलती है, अभी 4 दांते में बर्म चलता है। अच्छा, इसकी क्वालिटी बड़ी है, बहुत बढ़िया, और जो एक बार जो एक्सल की गियर पड़ गया वो जाता ही नहीं है सारी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ जी हाँ जी। बाकी सर थोड़ी फैक्ट्री के बारे में बताइए, लोग फैक्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में जैसे ये मशीन आपने लगा रही है, इस मशीन से क्या काम करते हो आप? ये मशीन लगा देखिए, इस पे हम जो बेड है वो जहाँ बनाते हैं, हाँ जी, इस रंधे पे, हाँ ठीक है, इसके जब बेड बन गया फिर भी टेम्पर पे जाता है, ठीक है, इंडक्शन हार्ड के लिए, ठीक है, फिर वापस आता है, फिर यहाँ ही हम ग्राइंडर से साथ इसको ग्राइंड करते हैं। ओके, बाकी सर इधर क्या क्या लगा रखा आपने, आइए इधर। हाँ जी हाँ जी। तो ये फैक्ट्री एक बार पूरा विजिट करवाते हैं, जैसे सर यहाँ पे कुछ मशीने हैं, कुछ मशीने हैं, इन मशीन में क्या क्या काम होता है थोड़ा बताएंगे हमारी ऑडियंस को? देखिए ये छेपर मशीन है, ठीक है, छेपर मशीन है, ठीक है जी, इस पे जो स्लैडे बनती है, हाँ, जैसे मेन स्लैड हो गया, क्रॉस स्लैड हो गया, सेंटर हो गया, अड्डी हो गया जी, वो छोटे छोटे पुर्जे सारे यहाँ बांधते हैं, बड़े पुर्जे वहां बांधते हैं, जैसे हेड पड़े हैं, हेड और पेटियां वो सारा यहाँ ये बनाता है। ओके, छोटे पुर्जे जितने हैं वो यहाँ बांधते हैं। और ये सर क्या है? हाँ, ये आरी है काटने के लिए, हाँ काटना है, और जो बैंड सा बोलते हैं सर, हाँ जी हाँ जी, ये स्लॉट का ये मेरी खुद की बनाई हुई है। अच्छा, ये खुद की बनाई हुई है? हाँ जी हाँ जी। ये तो चालू हो गई? हाँ, इसमें जो चाबी निकालते हैं, ओके, ये 15 सेकंड में चाबी निकाल दे। ये कितनी पुरानी मशीन होगी सर? ये कम से कम 25 साल पुरानी मशीन। चल बहुत जबरदस्त रही है, मेरी खुद बनाई हुई है। अच्छा, थोड़ा पास से दिखाइएगा सर, हल्का सा, धीरे धीरे आइए। तो ये भी बना के दे सकते हो आप? नहीं, बना के दे सकते हैं, पर हमारी उधर प्रोडक्शन रुक जाती है। अच्छा, ये है नहीं, हमने पहले बनाई है, ठीक है, पर ये तो हमने अपने लिए बनाई है, अपने लिए बनाई है। हाँ, ये सारी फोल्डिंग है, मेरा अपना ही डिजाइन है, और अपने अपने काम के लिए, अपने मतलब की खुद बनाई। बहुत बढ़िया सर। और जो ये डाई लगाए रखी है सर हमने? हाँ, ये ट्रू चाक है, इसमें अच्छा गिरारी पकड़ो सीधी पकड़ी जाती है। बहुत बढ़िया। और ये 15 सेकंड में चाबी निकाल दें। और ये अपना तो रॉ मटेरियल है, जब भी काम बनेगा। हाँ, ये पेटी है मशीन की, ये तो कास्टिंग होकर आई है ना सर? हाँ, कास्टिंग भट्टे में जाती होगी, वहां से आएगी फिर फिनिशिंग वगैरह आएगा। हाँ जी हाँ जी सर, बहुत जो पेटी लगी ना बैन में, जी जी जी, ये वो पोर्शन है। बहुत बढ़िया। जो हेड रखा हुआ है वो ये है, ठीक है, इसको रखना होगा, फिर बोरिंग होगा, फिर उसके बाद इसको फिट किया जाएगा। जी।
एक तो आपने वहाँ पे हमने कवर कर ही लिया, हाँ जी, ये भी आप शायद अभी स्टार्टिंग हुई है इसकी ना? ये भी हमारी ऑर्डर की मशीन है, जो फरीदाबाद भेजनी है। अच्छा, फरीदाबाद ही जानी है। हाँ हाँ। तो मतलब जहाँ हम वीडियो बना रहे वहीं जा रही है मशीन, फरीदाबाद ही ज्यादा कवर हो रही है। हमको ऑर्डर आ जाते हैं। जी जी जी। वो वहाँ से पार्टी ने देखो हमारा, हम उनको फिल्म भेज देते हैं मशीन की। अच्छा, तो वहाँ से हमको सर इसमें जो है ये फिनिशिंग अभी करना बाकी है थोड़ा, ये करना ना, देखिये वो तो हो गया है। अच्छा, उसकी तो हो गया है, ठीक है, उसको अब पटेल लगेगी। इसको क्या कैसे तोड़ते हैं, क्या करते हैं? ये सारा क्लियर करेंगे जी, जैसे वो हुआ देखो। अच्छा, दिखाना सर एक बार। हाँ, ये देखिए बीच में साफ है ना, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ही सारा। हाँ, जो उसका तो करना है, ठीक है। हाँ, इस टाइप से अभी यहाँ पे दिखाओ सर, यहाँ पे कैसा दिख रहा है? ये भी भट्टी से ही निकल के आई है। हाँ हाँ हाँ, ये भट्टी बन के टेम्पर ग्रैंड हो गया है। ये अंदर दिखाइए, इसका अंदर से भी काम करना है। अच्छा, फिर सारा फिटिंग करके। ये कितना कितना टाइम लग जाता है आपको ये पूरा कंप्लीट करने में? हम महीने में दो मशीन तो बड़े आराम से बना लेते हैं। दो आराम से लेथ मशीन। अच्छा, अगर जैसे कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है जैसे 5 पीस 10 पीस का, उसमें टाइम लगता है? हाँ, फिर वो प्रोडक्शन टीम भी बना देते हैं। टीम बना देते हैं। हाँ, उस टाइप से तो जैसे जैसे ऑर्डर आता वो भुगतान कर देते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी जो है एक एक करके जैसा कि सर ने आपको दिया है बारीकी से आपको समझाई होगी, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि इसमें जो है प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिली है। बाकी सर जाते जाते सर हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपके विचार हो, कुछ बताना चाह रहे हो हमारी ऑडियंस को? घनश्याम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारी वर्षा में आए जी सर, हमारी इंटरव्यू ली, हमारी वर्षा बार में आपने बताया, आपका बहुत धन्यवाद जी सर। और आपकी कृपा से आपने पहले भी हमारी वीडियो बनाई थी जी, उसके जरिए हमको काफी ऑर्डर आए हैं जी, ठीक है जी, हम आस करते हैं जी, जो आपने फिल्म बनाई है इसके अगेंस्ट हमको और कस्टमर मिलेंगे। बाकी सर जैसे इसमें कोई आपसे 5, 6 फिटी, 7 फिटी, 12 फिटी लास्ट कितनी है सर हाईएस्ट अपनी? देखिए हम हमारे पास 4.5 फुट से लेके हाँ, हम 12 फुट तक मशीन बनाते हैं जी, और लाला पार रहे हैं, जैसे जो 12 इंच बेड में बन रही है, इससे नीचे जो छोटी मशीन होती है 4.5 फुट वो 11 इंच बेड में बनती है, ठीक है, तो उसके बाद 13 इंच बेड आती है हमारे पास चल रही है 13 इंच बेड की, ठीक है, उसके बाद 14 इंच बेड, ओके, 16 इंच बेड, उसका सेंटर हेड भी बढ़ जाता है, बोर भी बढ़ जाता है, ठीक है जी, बड़ी से बड़ी हम 12 इंची 12 फुटी मशीन, ठीक है, और 18 इंची बेड और 5 इंच बोर तक हम रिक्वायरमेंट हमारी हम बनाते हैं। बनाते जो सर डे मैक्सिमम ऑर्डर रहता है वो कितनी फिटी का रहता है जो मार्केट में? रेगुलर जो है वो 6.5 6.5 स्टैंडर्ड है। हाँ जी, ये तो रेगुलर ऑर्डर हमारे पर रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नई मशीन पे आप काम कीजिए, नई मशीन जो है चलती भी काफी टाइम है, एक एक मशीन सर लंबे टाइम चलती होगी सर, आपके साल कहीं नहीं जाती है। बाकी सर अपना एक बार एड्रेस बताइए हमारे ऑडियंस को, एड्रेस क्या रहने वाला है जो आपके पास विजिट करेंगे यहाँ पे? जो देखिए हमारी वर्कशॉप लुधियाना में जनता नगर में स्थित है, ठीक है, ठीक है जी, हमारी फर्म का नाम है देवे मशीन टू, ठीक है, ठीक है जी, और ये जनता नगर प्लाट नंबर 1962, ओके, स्ट्रीट नंबर 35, ओके, जनता नगर लुधियाना में हम जे हमारी वर्कशॉप है। बाकी दोस्तों नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, और कोई चैनल का नाम लेगा तो सर कुछ डिस्काउंट भी आपको कर देंगे सर, थोड़ा बहुत डिस्काउंट। हाँ जी, हाँ जी, कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय सिंह।